हेलो माइंड वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। माइंड वॉरियर्स की हमारी जंगल एडवेंचर से भरी इस सीरीज अमेजिंग वाइल्ड लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज की वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम जिस एनिमल से मिलने वाले हैं उसका नाम बहुत ही ट्रिकी है। उसके एक नाम में दो दो एनिमल्स के नाम छुपे हुए हैं, बट दिस एनिमल्स नाइदर ऑफ देम। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिकी लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग एनिमल कौन सा है। अगर हम आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा एनिमल है दैट कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में जवाब आया होगा कैमल। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि एक और ऐसा एनिमल है जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक है, हु कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो क्या आप बिलीव करोगे। सो लेट मी टेल यू, देयर इज एन एनिमल कॉल्ड कैंगरू रैट व्हिच इज नाइदर कैंगरू नॉर रैट, एंड दिस एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। Unbelievable, right? इसी एनिमल के बारे में और जानने के लिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड और जानते हैं हाउ कैन कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। A kangaroo rat is a small bipedal rodent. Rodent is a type of small animal such as a rat, a rabbit, a mouse, etc., which has strong, sharp front teeth. Jin animals ke paas kutarne ki abilities hoti hain, unhe rodent kaha jata hai. Ye kangaroo rat mostly North America mein hi paya jata hai. It is known for its remarkable jumping ability. Aur aapko to pata hi hai, ye jumping style kisse resemble karti hai? Of course, none other than a kangaroo. Kangaroo rat ज्यादातर arid regions जैसे deserts, grasslands या scrub lands में ही पाए जाते हैं। पर ये kangaroo rats desert में कैसे survive करते होंगे? इनके पास naturally कुछ physical abilities होती हैं, जिससे ये survival इनके लिए मुमकिन होता है। These adaptations enable them to survive in harsh desert environments. They have large hind legs and feet. लेंथ में बड़े होने की वजह से दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर जंपिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट बैलेंस। एक ही जंप में कैंगरू रैट्स बहुत बड़ी लीप ले सकते हैं। इस बैलेंसिंग एक्ट में मिड एयर बैलेंस संभालने के लिए उनकी लॉन्ग टेल उनकी मदद करती है। ये डेजर्ट्स में रहते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ वाटर रिसोर्सेस तो बिल्कुल लिमिटेड होती है। हाउएवर कैंगरू रैट्स हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उनका सबसे बिगेस्ट हाइड्रेशन सोर्स है मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देयर किडनीज आर हाईली एफिशिएंट एट कंजर्विंग वाटर, और उनकी सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट दे हैव स्पेशलाइज्ड नेसल पैसेजेस दैट हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन। इनके लिए फूड का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन करना इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो प्राइमरीली हर्बीवोर्स हैं। वो ज्यादातर सीड्स लीव्स ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये फूड सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते तो फिर अपना गुजारा वो इंसेक्ट्स खाकर कर लेते हैं। डेजर्ट्स में वो अपने लिए सेफ बुरोज बनाते हैं जहां वो किसी भी वेदर में सेफली रह सके। उन्हें जो भी फूड अवेलेबल होता है उसे वो अपने चीक पाउचेस में स्टोर करके अपने बुरोज तक लेकर जाते हैं। दीज चीक पाउचेस हेल्प देम विद स्टोरिंग फूड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। क्या आप यही सोच रहे हैं कि कैंगरू रैट्स अपने बुरोज कब बिल्ड करते होंगे, इन्हें बिल्ड करने में कितना टाइम लगता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि कैंगरू रैट्स आर नॉक्टर्नल, मतलब रात को जागने वाले एनिमल्स। ये पूरी रात जागकर अपने लिए ये बुरोज बिल्ड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एट नाइट इज स्पेंट डिगिंग द ग्राउंड्स। दीज बुरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंगरू रैट्स क्योंकि दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, और जब डेजर्ट्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं तब भी ये बुरोज ही उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ओवरऑल कैंगरू रैट्स बहुत ही फैसिनेटिंग क्रिएचर्स हैं, है ना माइंड वॉरियर्स। उनकी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि देयर यूनिक फिजिकल फीचर्स एंड बिहेवियरल एडाप्टेशंस हेल्प देम सर्वाइव इन एनी कंडीशंस। दोस्तों कैंगरू रैट्स के बारे में ये फैक्ट जानकर आपको बहुत ही मजा आया होगा, है ना। अगर आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने हैं तो आप आज ही डाउनलोड कीजिए माइंड वॉर्स ऐप। इस ऐप में आप अलग अलग क्विज राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सही जवाब देने पर पा सकते हैं exciting rewards. तो देर किस बात की? Download the app and start taking part in the quiz now. तो चलिए मैं आपको कैंगरू रैट्स के कुछ और adaptations के बारे में बताती हूँ जिससे वो पानी के बिना survive करने में सफल होते हैं।
मेटाबॉलिक वाटर। जैसे मेटाबॉलिक फूड ब्रेकडाउन पॉसिबल है, वैसे ही कैंगरू रैट्स के लिए मेटाबॉलिक वाटर ब्रेकडाउन भी पॉसिबल है। व्हेन दे डाइजेस्ट फूड, दे ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोड्यूस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट व्हिच हेल्प्स देम फुलफिल देयर हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट्स। सच में ये एनिमल्स तो जीनियस है। 2. Efficient water conservation. Kangaroo rats have highly efficient kidneys. ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन वो इसीलिए इतने efficient हैं क्योंकि they are capable of concentrating urine, जिससे उनकी body में minimum water loss होता है. This adaptation allows them to reabsorb as much water as possible from their urine. और फिर बार-बार वो उसे अपनी body में ही conserve कर सकते हैं. 3. No sweat and respiratory water loss. Kangaroo rats को कभी पसीना नहीं आता है. They can reduce water loss because of no sweating and respiration. Unki jo specialized nasal passages hote hain that help them cool and humidify the air they breathe. To moisture kam matra mein exhale hota hai aur zyada se zyada pani unki body ke andar hi rehta hai. 4. Diet adaptations. Kangaroo rats ka herbivore hona bhi unhe without water survive karne mein bahut zyada help karta hai. Unki sare food habits mein zyada se zyada amount mein water present hota hi hai. Isse unhe automatically sufficient water intake मिलता है। 5. Behavioral adaptations. Kangaroo rats के nocturnal होने की वजह से वो दिन भर hottest और dry regions avoid करके किसी safe जगह पर, यानी mostly उनके burrows में ही जाकर rest कर सकते हैं। उनके burrows में उन्हें dry ना feel होने की वजह से उन्हें दिन भर बहुत ज़्यादा water consume करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। By combining these psychological and behavioral adaptations, kangaroo rats have successfully adapted to arid environments. Kangaroo rats ने बहुत ही efficiently अपने water requirements को reduce और store करना सीख लिया है. Drinking water का direct access ना होते हुए भी वो अपना functioning regularly कर रहे हैं. दोस्तों, हम कैंगरू रैट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीख सकते हैं। कई बार अगर हम ऐसी किसी जगह गए जिसकी हमें आदत नहीं है, तो हमें वहां एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हमें रोज लगने वाली फैसिलिटीज हमें एक दिन भी ना मिले तो भी हमें तकलीफ होती है। हम अपनी लाइफस्टाइल से कभी कभी इतना अटैच हो जाते हैं कि जगह चेंज होने पर हमें अडेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी फील होती है। लेकिन कैंगरू रैट्स को देखिए, उनके पास पानी, जिसे हम जीवन भी हैं, उसका ही डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, फिर भी इस एनिमल ने कैसे नेचुरल लिमिटेशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर जीना सीख लिया है। फॉर्चुनेटली हम इतनी एडवर्स कंडीशंस में नहीं रहते एंड एज ह्यूमंस वी आर वे मोर इवॉल्व देन एनिमल्स। फिर भी नेचर हमें ऐसी छोटी छोटी बातें एनिमल्स के जरिए सिखा ही देती है। So, दोस्तों, इसी बात पर हम पहुंचते हैं आज के एपिसोड के एंड तक। आज आपको इस ट्रिकी नाम वाले, यूनिक आइडेंटिटी रखने वाले और हमें एक अच्छी सीख देने वाले कैंगरू रैट से मिलकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नए वाइल्ड लाइफ मार्वल के साथ, ओनली ऑन अमेजिंग वाइल्ड लाइफ। तब तक सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड stay tuned. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस विच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.